नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको फार्म का छोटा सा अपडेट दे रही हूँ। आज यहाँ पर काम शुरू हो गया है। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और देखिए यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले ज़मीन को इकसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़मीन का बिल्कुल लेवल करना बहुत ज़रूरी है, ऊँची नीचे नहीं रहनी चाहिए। और ये जो हमने कल प्लांट्स लगाए थे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। इन्हें तो बिल्कुल ही खाली खाली था, बिल्कुल हरियाली होगी इनकी वजह से। वैसे तो ये खेत बिल्कुल इकसार है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऊंचा नीचा रह जाता है, तो उसको ऐसे ही हाथ से सही करना पड़ रहा है ताकि बिल्कुल एकदम कहीं भी कोई गड्ढा ना हो। तो देखिए अभी पूरा अच्छे से बिल्कुल सही हो गया है, कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है। अब इस पर बिछाई जाएगी यहाँ पर पॉलीथीन। तो बड़ी वाली जो पॉलीथीन है वो पूरे पर यहाँ पर बिछा देंगे, उसके बाद यहाँ पर बेड बनने स्टार्ट होंगे। अच्छे से पॉलीथीन को बिछा दिया है ताकि बिल्कुल भी ज़मीन में हमारा जो भी हम इसमें केचुआ डालेंगे वो नीचे ना जाए, बिल्कुल ऊपर रहे, तो इसीलिए डाली जाती है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो ये काव डंक है उसको डालेंगे। जितने भी ये बेड बनेंगे उसी हिसाब से ये चौड़ाई और लंबाई सब रखी गई है। ये जो बेड बनते हैं ये 30 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े बनते हैं, उसी हिसाब से पूरी जो मेजरमेंट है वो करके इसमें ये डाला जाएगा। तो अभी जो ये बेड हैं ये इसी तरह से बनते जाएंगे। ये जो गोबर है ये हमने गौशाला से मंगाया है, तो इसका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। गाय के गोबर में और भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो जब हम टेस्टिंग कराएंगे तब पता चलेगा कि कितने कितने कौन कौन से पोषक तत्व इसमें आते हैं। तो दोस्तों कुछ ही दिन में हमारी ये खाद बनके तैयार हो जाएगी और अपनी आंखों के सामने बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट हमारा बनके तैयार होगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ वर्मी कंपोस्ट, बहुत ही अच्छी खाद है और इसका जो रिज़ल्ट है वो कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है गोबर की खाद से। तो अभी आगे जो भी अपडेट रहेगी फार्म की वो आपको दिखाती रहूँगी। तो ये जो बेड बनते हैं इनकी चौड़ाई काफ़ी रहती है, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि 4 फुट चौड़ाई होती है और 30 फुट लंबाई और ऊंचाई भी 1.5 फुट के करीब होती है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो दोस्तों लगभग आज 2 बेड बन पाएंगे क्योंकि सुबह का काफ़ी सारा टाइम तो खेत को लेबल करने में और पॉलीथीन वगैरह बिछाना इन सब में ही चला गया, तो काफ़ी मेहनत का काम है और बहुत देर लगती है एक बेड को बनाने में भी। बाकी के कल बनेंगे और बहुत ज़्यादा से अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, लगभग 5-7 बेड बनेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम में वो वैसे ही डबल हो जाते हैं, तो बेड अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। दोस्तों वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।